मुनव्वर फारूखी को आखिर क्यों मांगनी पड़ रही है माफी? मुनव्वर फारूखी कई बार वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, अब वो हो जाते हैं या कर देते हैं ये तो मुनव्वर ही कह सकते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते मुनव्वर फारूखी के पीछे काफी लोग पड़ गए और आलम यह रहा कि मुनव्वर फारूखी को सोशल मीडिया पर आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। उस माफी से भी जब काम नहीं चला तब मुनव्वर फारूखी को यह कहना पड़ा कि भैया जब अपने ही लोग लड़ने आ जाएं तब लड़ा नहीं जाता, तब चुप रहा जाता है। इसके बाद भी लोग भड़क गए और कहा गुरु जितना चुप रहोगे उतना कम तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये सारी बातें चल रही मुनव्वर फारूखी के साथ और ये बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। मुनव्वर फारूखी पहले भी कॉन्ट्रोवर्सी में रहे हैं देवी देवताओं के अपमान करने को लेकर, लेकिन इस बार मामला बड़ा फिर हुआ, इस बार मामला पॉलिटिकल गया और पॉलिटिकल के चलते एक वीडियो बनाकर अपॉलॉजी करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद फिर लिखना पड़ा कि अपने लोग लड़ रहे हैं, तब लड़ा नहीं जाता, चुप रहता है, ये सारी बातें चल रही है। हालांकि कई लोग थे जो मुनव्वर के पीछे पड़े हैं और कह रहे हैं कि भैया जितना चुप रहोगे उतना कम माफी मांगनी पड़ेगी, शायरी के बहाने देश धर्म और लोगों का मजाक मत उड़ाओ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब क्या वजह है हम आपको समझाते हैं। दरअसल मशहूर स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि मुनव्वर मशहूर तो है इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कॉन्ट्रोवर्सी में इसलिए आए क्योंकि महाराष्ट्र के कोंकण में रहने वालों के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी शिवसेना दोनों भड़क गई। दोनों पार्टियों ने चेतावनी दी है कि अगर मुनव्वर ने माफी नहीं मांगी तो सबक सिखाया जाएगा। हालांकि मुनव्वर ने समय रहते अपॉलॉजी कर दी और अपने इंटेंशंस को क्लियर करने की कोशिश की कि मेरा इरादा किसी को तकलीफ देने का नहीं था। अब विवाद क्या था, मुनव्वर तलोजा में परफॉर्मेंस करने गए थे, परफॉर्मेंस में एक जोक मारा, इसी जोक पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। दरअसल मुनव्वर इसमें कह रहे थे कि कोंकणी लोग जो है वो बनाते हैं, हाँ यही बोल रहे थे, और इसके बाद काफी लोग हंसने लगे। लेकिन ये सारी बातें कई बार फ्लो फ्लो में कही जाती है, जो लोग होते हैं वो मौज काट लेते हैं, लेकिन कई लोगों को ये भड़क जाती है और इसी वजह से मुनव्वर के जोक पर बीजेपी शिवसेना भड़क गई। ये कहा गया कि बीजेपी नेता ने ट्वीट किया कि मुनव्वर नामक हरे सांप की जीभ बहुत ज्यादा चलने लगी है, कोंकण के लिए अपशब्द कह रहा है, इसका पता हमें अच्छे से पता है, अगर माफी नहीं मांगी तो फिर इस हरे सांप को पाकिस्तान भेजने में समय नहीं लगेगा। शिवसेना की तरफ से भी आया, मुनव्वर को पीटने वाले को इनाम तक की बात कही गई, कहा कि अगर मुनव्वर ने कोंकणी के लोगों से माफी नहीं मांगी तो जहां भी दिखे रौन दिया जाएगा, समझाओ कोंकणी के लोग कैसे रौनते हैं, और जो पीटेगा उसे 1,00,000 रुपए का मैं इनाम दूंगा। अब गलत को गलत से जस्टिफाई करना भी सही नहीं हो सकता, लेकिन हमारे देश का रीति रिवाज है, किसी को बुरा लगता है तो कहते जाओ तुम पीटाओ, पीटोगे तो पैसा दे देंगे। मुनव्वर को भी समय रहते रियलाइज हुआ कि मामला गड़बड़ा गया है और इसी के बाद एक वीडियो मैसेज रिलीज किया, कहा कि कोंकणी लोगों वाला जो कमेंट था, क्राउड वर्क था, स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र में आम प्रैक्टिस है जहां कॉमेडियन गेस्ट में से ही किसी एक शख्स से हंसी मजाक करते हैं। फिर मुनव्वर ने यह भी कहा कि मुझे पता लगा कि काफी लोगों को बुरा लगा है, एक कॉमेडियन होने के नाते मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, जिस पर जोक किया था उन लोगों ने भी इंजॉय किया था, उस शो पर सभी लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, लेकिन जब हम इंटरनेट पर ऐसी चीजें देखते हैं तो वो अलग दिखाई पड़ती है, हम समझ सकते हैं, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और सभी लोगों से कहता हूं जय हिंद जय महाराष्ट्र। ये मुनव्वर फारूखी की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया। हालांकि ये मामला अभी ठंडा पूरी तरह से नहीं हुआ है और ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मुनव्वर का ये वीडियो आने के बाद भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहसबाजी चल रही है, वो पीटने वाली बात अभी भी चल रही है और मुनव्वर ने इसके बाद जब खामोशी अख्तियार करी तब भी ये मामला बढ़ता गया। शायद यही वजह है कि इसके बाद भी मुनव्वर ने कहा कि जब अपने ही लोग लड़ने आ जाएं तब लड़ते नहीं चुप रहते। हालांकि मुनव्वर का समर्थन भी काफी लोगों ने किया, कई लोगों ने कहा कि मुनव्वर भाई आपके बुरे दौर में हम आपके साथ थे, पहले भी खड़े थे अभी भी खड़े होंगे। कई लोगों ने उनको और उल्टा सीधा भी कहा जिसमें था कि भैया जितना चुप रहोगे उतना कम माफी मांगनी पड़ेगी, ये जो तुम शायरी के बहाने जोक्स के बहाने देश धर्म का मजाक उड़ाते हो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुनव्वर ने ऐसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन में पहले धर्म को लेकर भी कहा था जहां पर हिंदू धर्म को लेकर विवाद हुआ था, बाद में वो जेल भी गए थे, काफी कॉन्ट्रोवर्सी तब हुई थी जेल जाने को लेकर और विवाद बढ़ा था, लेकिन इस बार फिर हुआ है
अब मुनव्वर का इसमें लॉजिक है कि क्राउड वर्क में कई सारी बातें आप कहते हो जो उस वक्त नहीं लगती, इंटरनेट पर देखने में अजीब लगती है। हमें लगा आपसे पूछे, आप मुनव्वर की इस अपॉलॉजी कैसे दिख रहे, माफ किया जाए या ये इंटेंशनल है? व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।